अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अब हम बना रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने 3 केले ले लिए और 3 सेब ले लिए और 1 मैंगो ले लिया, उसको मैंने छील लिया था। और अब हम यहाँ पे आपको कस्टर्ड की रेसिपी बताते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 किलो दूध लिया है, तो दूध लेके उसको मैंने अच्छे से बॉइल कर लिया, फिर उसमें चीनी डाल ली और क्या कहते हैं ना, मैंने एक साइड एक छन्नी में ना 2-3 चम्मच ना दूध के ले लिए, ठंडे दूध के, और फिर मैंने 4-5 चम्मच कस्टर्ड के ले लिए, उसको अच्छे से मिक्स करके तो मैंने कस्टर्ड तैयार कर लिया। मेरा कस्टर्ड इतना थिक था कि आप एक फ्रूट कस्टर्ड में अच्छे से वो अच्छा रहे, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए अपना कस्टर्ड। फिर मैंने यहाँ पे केले की लेयर डाली एक, और फिर मैंने यहाँ पे सेब डाल दिए और बनाना मैंने दिए थे, और एक ग्रेप्स मैंने थोड़े से डाल दिए। ये सब ये दोनों चीज़ें एडिशनल है, आपने डालने हो तो आप डालें, नहीं डालने तो आप ना डालें। तो यहाँ पे मैंने जेली भी बना ली थी, तो यहाँ पे मैंने जेली भी क्या कहते हैं ना, 2 कप पानी के लिए और एक पैकेट जेली का लिया, उसको बना के मैंने रख लिया था। तो ये देखिए अच्छे से जम चुकी थी, आप फिर इसको फ्रीज़र में रख लीजिएगा। फिर मैंने उसके बाद फ्रूट्स के ऊपर जेली की एक लेयर लगाई, एक मैंगो जेली की और एक स्ट्रॉबेरी जेली की, वो दोनों लेयर्स लगा के मैंने उसको अच्छे से डेकोरेशन कर ली। तो फिर अब ये दोनों लेयर्स लग चुकी हैं, मैंने देखी कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह हमारा फ्रूट कस्टर्ड इतना मज़े का तैयार होगा। यहाँ पे मैंने एक पैकेट क्रीम ले ली थी, उसमें मैंने 2-3 चम्मच मैंने ना चीनी के डाल लिए थे कि आपकी चीनी ना कम हो, कस्टर्ड में भी इतनी डालें कि आपकी चीनी ज़्यादा भी ना हो और क्या कहते हैं कम भी ना रहे। तो आपने अपने हिसाब से चीनी एडजस्ट करनी है इसमें। मैंने तो 3 चम्मच चीनी के लिए थे और क्या कहते हैं मैंने कस्टर्ड में भी क्या कहते हैं ना 5 चम्मच चीनी के डाले, इस तरह मैंने चीनी भी ठीक रहेगी। और ये देखें अब मैंने कस्टर्ड की एक लेयर डाल दी, पहले मैंने क्रीम डाली थी फिर मैंने कस्टर्ड डाल दिया, फिर हम ऊपर इसको जेली से डेकोरेशन कर देंगे। अल्लाह हाफिज़ सबका।